Hi everyone, welcome to Blue Tick Creative YouTube channel. Today's video is study about why use Google Ads. What is Google Ads? Google Ads होता क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं Google Ads को, हम इसके बारे में बताएंगे आज की वीडियो में. जब हमें किसी भी वेबसाइट को या YouTube चैनल को जल्दी से ग्रो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाना है, तो हम इस केस में Google Ads को यूज़ करते हैं. या किसी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ. सबसे पहले हमें गूगल एड्स को साइन इन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा न्यू अकाउंट पे. रजिस्टर करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा आपको. सबसे पहले हमें गूगल एड्स की आईडी, ये हमारी गूगल एड्स की आईडी है. फर्स्ट सेक्शन पर आते हैं ओवरव्यू. ओवरव्यू में हमें जितने भी हमने ऐड क्रिएट करी हैं और जिस ऐड पर जितना इंप्रेशंस हैं, क्लिक्स है, एवरेज क्लिक्स है, ये सब हमें शो होता है. आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन, रिकमेंडेशन सेक्शन. रिकमेंडेशन सेक्शन गूगल ऐड में अच्छा फीचर है, जिससे हमें पता लग जाता है किसी भी ऐड हमने जो क्रिएट करी है उसमें क्या दिक्कत है, क्या इशू है, वो सब रिकमेंडेशन सेक्शन में आ जाता है. और हम इसे रिपेयर भी कर सकते हैं, जो इशू आते हैं उसको सॉल्व भी कर सकते हैं. अब नेक्स्ट सेक्शन है इनसाइट सेक्शन. इनसाइट सेक्शन में हमें मोस्टली जो एड्स हमने रन कराई है उसके कन्वर्सेशन पता लगती है, कॉस्ट पता लगती है, सीपीए पता लग जाता है. फिर सीपीए क्या होता है, कॉस्ट पर एन. अब ये कैंपेन, ये कैंपेन के सेक्शन में हमने कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, नई ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, कॉल एक्शन से रिलेटेड. और यहाँ पर हमारे ये ऐड ग्रुप का सेक्शन भी होता है, जहाँ पर हम नए नए ग्रुप बना सकते हैं, जिस ऐड ग्रुप के अंदर हम अपनी ऐड रन करा सकते हैं. और किसी में यूट्यूब वीडियो को प्रमोट कराना हो तो उसके लिए वीडियो का ऑप्शन है, जिसमें हम वीडियो की मार्केटिंग कर सकते हैं और वीडियो के डाटा को एनालाइज भी कर सकते हैं, इस पर कहाँ से कितना व्यू आया है. बेस्ट फीचर्स इन गूगल एड्स कि हम इसमें कीवर्ड प्लानर भी कर सकते हैं. जैसे हमने कोई वीडियो ऐड क्रिएट कर ली तो हमें कीवर्ड्स के बारे में पता नहीं है, तो हम इसमें कीवर्ड्स के ऑप्शन पे जाके जो भी वेबसाइट है उसका यूआरएल पेस्ट करके हम उसमें कीवर्ड्स देख सकते हैं कि इस कीवर्ड्स पे कितनी सर्च रैंक है, कि ये कीवर्ड्स हमारा रैंक करेगा नहीं करेगा, और हमें इस कीवर्ड्स पे कितनी बिड लगानी चाहिए. आज की वीडियो में बस इतना ही. आपको मिलते हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.